आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। मेवाती गैंग के दो सदस्य जो एटीएम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मेवाती गैंग के दो धोखेबाज जिन्हें थाना छावला स्टाफ ने गिरफ्तार किया है, उनके कब्जे से एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने खास तरीके से गैजेट बनाया था जिसका इस्तेमाल कर वो लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करते थे। दरअसल वो उस गैजेट की मदद से जब कोई एटीएम में पैसे निकाल रहा होता था, उस वक्त वो गैजेट का इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से एटीएम मशीन पैसे बाहर नहीं निकालती थी। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति एटीएम से चला जाता था, उसके तुरंत बाद वो गैजेट का इस्तेमाल करके उस सारे पैसों को निकाल लिया करते थे। इस तरह वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। उनके कब्जे से 6 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं और अपराध में इस्तेमाल की जाने वाली स्विफ्ट कार को भी पुलिस ने फिलहाल जब्त कर लिया है। दोनों आरोपियों में से एक आरोपी नाजिम हुसैन पर पहले हत्या और झपटमारी के 2 मामले हरियाणा में दर्ज हैं। और लगातार पुलिस टीम तकनीकी मदद से इनको ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी और एक दिन गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें द्वारका इलाके से पकड़ा गया है। दोनों आरोपियों की पहचान नाजिम हुसैन निवासी ग्राम सोफता जिला पलवल हरियाणा और दूसरा आरोपी मुबारक निवासी गांव गंगो जिला पलवल हरियाणा का रहने वाला है। आपको बता दें कि ये शातिर अपराधी एक हाईटेक गैजेट की वजह से लोगों को चूना लगाने में कामयाब रहे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इनको दबोच लिया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।